मैया, ओ मेरी भोली मैया। क्या हुआ? कहाँ गई नाना जी की फोटो? ये फोटो कहाँ गई? प्रार्थना, पंजीरी, प्रतिभा, प्रेमा, पारी। फोटो ये रही। मम्मी जी, ये रही फोटो और ये रहा साफ सफाई का सामान। आपने कहा था ना, नाना जी के चेहरे पे धूल जम गई है, साफ कर दो। तो बस वही कर रही थी। अरे अकल की मलिका, ये क्या कर रही थी? मम्मी जी, मैं तो नाना जी का चेहरा चमका रही थी फेस पैक लगा के। अरे मैंने तुझे फ्रेम से धूल हटाने के लिए कहा था, तू ये फेस पैक क्यों लगा रही है? लेकिन मम्मी जी, मैं तो अपना चेहरा ऐसे ही चमकाती हूँ फेस पैक लगा के। इसीलिए मैं तुझे कोई काम नहीं कहती हूँ। मैया, मेरे पैर। माफ करना पिताजी, आप ही की बहू है। हेलो जी मिश्रान जी, क्या बहू अभी तक पापड़ लेने नहीं पहुंची? मैं पूछती हूँ, मैं अभी पता करके बताती हूँ। क्या हुआ मैया? प्रतिभा भाभी ने तेरा काम नहीं किया क्या? लगता है उनका चाट खाने का मन नहीं होगा आज। भूल गई क्या जो मैंने कहा था? प्रतिभा, परी, तुमने फिर से साड़ी जला दी। हे भगवान। ए, इधर आ। मैंने तुझे मिश्रायन के यहाँ से पापड़ लाने के लिए कहा था, तू लाई नहीं? वो सोच के देखो सासु माँ, टाइम ही नहीं मिला। कन्हैया जी ने दुकान का कुछ हिसाब करने दे दिया, तो वही कर रही थी हिसाब। वैसे भाभी, आज आपके चाट खाने का मन कर रहा है क्या? चाट? नहीं, आज चाट खाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन तुम अचानक से क्यों पूछ रही हो? सासू माँ, वो कन्हैया जी को ये हिसाब अभी चाहिए। पापड़ तो मैं कल भी आराम से ला सकती हूँ ना, कल पक्का ले आऊंगी। कल मैं पक्का पापड़ ले आऊंगी। पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। प्रतिभा, मैं क्या कह रही थी, तुम कच्चा पापड़ ही लाना, क्योंकि पका तो मम्मी जी खुद भी लेंगी ना, वैसे भी तो कितना पकाती है। पापड़, पापड़, पंजीरी, अब वो मेरी ब्लैक कॉफी। इधर आओ। जी, तुझे मैंने मेरी टूटी हुई चप्पल जड़वाने के लिए कहा था, तूने कर दिया? क्यों? वैसे भाभी, क्या आपका चाट खाने का मन कर रहा है क्या? चाट? नहीं। वैसे तुम अचानक से क्यों पूछ रही हो? देखो इस तरह यूं बार बार चाट 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 मत बोलो ना, फिर चाट खाने का मन कर रहा है मेरा। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसुई फ्रेमो फ्रेमो रसोले। ये कौन सी चाट है? सॉरी माँ जी, वो ना कन्हैया ने मुझे कहा था कि उनकी शर्ट का बटन टूट गया है तो लगा देना, तो मैं बस वो ही लगा रही थी। वो बटन लगा के मैं चली जाऊंगी आपकी चप्पल ठीक कराने। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही करा लूंगी। तुम जाओ और ये कन्हैया की बुशर्ट पे बटन लगाओ। ठीक है। मैया, तेरी मनपसंद पालक की सब्जी बनी कि नहीं, ये तो पूछ ले। जरूर पंजीरी भाभी ने बनाई होगी। पंजीरी, जरा ये तो बताओ, तुम्हारा चाट खाने का मन कर रहा है? चाट? नो, कस्तूरी की चाट खाने का तो दीदी को सुबह से मन था। वो तो
तो दीदी ने शाम को जाके खा भी ली थी। और दीदी ने खा ली तो मैंने भी खा ली। लेकिन माँ जी, पूरी सब्जी मंडी में अच्छी पालक नहीं मिली, इसलिए आपकी मनपसंद पालक की सब्जी नहीं बना पाऊंगी। मैया प्रार्थना भी द्वितीय बार क्षमा प्रार्थी है, कदाचित निर्मल नूतन श्वेत सुर्खलाल गुलाब पंखुड़ी प्राप्ति भी संभव नहीं हो पाई। निर्मल नूतन जो भी कह रही है दीदी, यानी कि सफेद और लाल गुलाब, मंडी में ताजे सफेद और लाल गुलाब भी नहीं मिले जिसकी माला आपको चढ़ानी थी, कह रही है दीदी। कैसे मिलेगी जब मौज मस्ती करनी हो और कमर लचका के चाट पापड़ी खाते हुए मंडी पहुंचोगी तो ताजी पालक और ताजे फूल नहीं मिलेंगे। परंतु मैया, आप कदापि चिंतित ना हो, आपके समक्ष हमने बाबा बर्फानी को समर्पण हेतु पीत वर्ण एवं सुगंधित गेंदे के फूलों की माला का आयोजन किया है। पीत वर्ण गेंदे के फूलों की माला दीदी के गले में डाल के फोटो खींच ले। पांचों बहुओं में से किसी ने भी इस बुढ़िया का एक भी काम नहीं किया। मैया, तू प्रताप के नाटक महारानी बनी नौकरानी में सास का रोल कर ले, बहुत जचेगा तुझ पे, बहुत जल्द तेरी भी वही हालत होने वाली है ना। मम्मी जी, मैंने सबसे पूछ लिया, अब आपसे भी पूछ लेती हूँ, क्या आपका चाट खाने का मन है? चाट खाने का नहीं, चाटा मारने का मन है। कहीं मेरी हालत दामाद जी के नाटक वाली कुंती की तरह तो नहीं होने वाली है? महारानी से बनी नौकरानी, कहीं बाकी की बची जिंदगी बिरयानी और दाल तड़का के पतीले को साफ करने में तो नहीं बीत जाएगी? इतनी तेज हवा, लो मौसम को भी मेरे मिजाज के बारे में पता चल गया। सुबह तो बड़ी डींगे मार रही थी, मेरी बहुएं मेरी बड़ी सेवा करती, लेकिन कुसुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो मेरी मजबूरी में सेवा करती हैं, दिल से नहीं। बात माने? कुंती देवी, जो सुख तुम्हें बहुओं से मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है। अरे प्रभु, ये मिलना भी कोई मिलना है? आप तो ना मेरी एक बार था नहीं, ये बात कैसे घर कर गई है कि मैं एक लालची बुढ़िया हूँ? प्रभु, क्या एक सास इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकती कि उसकी बहू उसे पलकों पे बिठा के रखे? मांग ही क्या रही हूँ प्रभु, बस इतना ही ना कि मेरी पांचों बहुएं मेरी इतनी सेवा करें कि मैं खुद भी निर्णय ना ले पाऊं कि मेरी कौन सी बहू मेरी सबसे ज्यादा सेवा कर रही है। प्रभु, एक सास की, मेरा मतलब कि एक भक्त की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? कुंती देवी, प्रभु आप तो हमेशा ही भक्तों की सुनते हैं, तो फिर चलाइए कोई चक्कर कि मेरी पांचों बहुएं झट से सीधी हो जाए। लो, इस बार भी भोलेनाथ साफ साफ कुछ बता के ही नहीं गए। चलो चल बुढ़िया, ठीक रात हो गई, जाके सो ले। भोले, परी, सॉरी, तुम यहाँ खड़ी हो, मैंने ध्यान दिया नहीं। मुझे वो फ्रिज से पानी चाहिए था ना, मुझे गर्म पानी पीना है। फ्रिज में गर्म पानी पियो? हाँ, फ्रिज में गर्म पानी नहीं, मतलब फ्रिज में तो ठंडा ही पानी है, लेकिन मैं उसे गैस पे गर्म करूंगी ना। करो, जो करना है करो।
हाँ कमाल है, तुम प्याज काट रही हो लेकिन मुझे आलू क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये आलू ही है। हाँ लेकिन आलू छीलने से आंसू आते नहीं। जनप पात देर सके चरे। ओ अच्छा अच्छा तो तुम प्याज काट के आई हो? नहीं ये प्याज के आंसू नहीं है परी, ये तो मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ। रीमा बहन आप तो क्या ही कहेंगी, जो खबर दीदी के पास है वो सुन लेंगी तो फ्रेंच का सारा क क ग एक सेकंड में भूल जाएंगी। कमाल है तुम्हारे हाथ में भी प्याज नहीं, फिर भी तुम बिना प्याज काटे रो रही हो। बोली दीदी सोच के देखो, आप सब लोग यहाँ हो, मैं तो पूरे घर में ढूंढ रही थी आप लोगों को। सुनो ना मुझे ना आप लोगों को कुछ बताना है। यही ना कि प्याज तुमने काटा और तुम्हारे साथ साथ प्याज के आंसू सब आ रहे हैं ना। नहीं नहीं परी मैंने कोई प्याज नहीं काटा है, ये प्याज के आंसू नहीं है। कमाल है प्याज किसी ने काटा नहीं पर फिर भी सब रो रहे, जबकि जबकि सपना तो मुझे आया। सपना? सपना तो दीदी को आया और दीदी को आया तो मुझे भी आया, दिल दहला देने वाला सपना यथार्थ। अरे तुम्हारी दीदी को क्या सपना आया होगा कि वो मंदिर गई और प्रसाद खत्म हो गया? तुम्हें क्या सपना आया होगा कि तुम कुकर की सीटियां गिनना भूल गए? इससे ज्यादा क्या आया होगा? लेकिन मुझे जो सपना आया है ना वो अगर सुनोगे तो पैरों तले जमीन सरक जाएगी। कि परी तुम्हारी किताबों के पन्ने फाड़ के बारिश में नाव बना दी, इससे भयानक तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा सपना सुनोगी ना तुम बेहोश हो जाओगी। नहीं 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 नहीं, इससे पहले कि कोई बेहोश हो मैं अपना सपना बता देती हूँ। मेरे सपने में शिवजी आए थे और शिवजी और दीदी के सपने में तो मेरे भी सपने में आए। सत्य रेमो शिवजी तो मेरे सपने में भी आए थे। हाँ सोच के देखो मेरे भी। हाँ मुझे मुझे शिवजी ने कहा कि 7 दिन के अंदर जैसे भी किन प्रकार जैसे भी कह रही है दीदी, जैसे भी करके सासु माँ के साथ अगले 7 दिन में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमें भी यही कहा यथार्थ। और फिर शिव जी ने कहा कैसे भी और कैसे भी करके कोई भी उस दुर्घटना को रोक नहीं पाएगा। कुछ भी कदाचित किसी भी कर्मियों का आचरण हम कर ले परंतु ये अनिश्चित भैया की भाग्य रेखा में सुनिश्चित ही है। ये इनके प्रकार और कुछ भी करके इस दुर्घटना में माझी भगवान को प्यारी होंगी ही होंगी, चाहे कुछ भी कर लो ऐसे भी और वैसे भी कह रही है दीदी। ऐसे भी वैसे भी इसका मतलब 7 दिन बाद मम्मी जी इस दुनिया में रहेगी।
पता मैं कहाँ कहीं कभी रह गई थी कि आपने ये दिल दिखाया। सोच के देखो ये तो सपना ही था ना, शायद गलत भी हो सकता है। बच्चों को एक जैसा सपना आया, इतना वक्त कैसे हो सकता है? यथार्थ एवं बहनों, यदि स्मरण करें तो हम प्रत्येक कुलवधु को प्राण नाथ संग पाणी ग्रहण संस्कार सूचना भी पापा बर्फानी ने स्वप्नागमन द्वारा ही दी थी। हम सबकी शादी कन्हैया जी से होगी, ये भी शिव जी ने सपने में आके ही कहा था। कह रही है दीदी, वो सच भी हुआ, कह रही हूँ मैं। इसका मतलब कन्हैया जी से हमारी शादियाँ फिर से होंगी। मतलब दीदी के दिमाग में साफ हो गया है कि माँ जी के पास केवल 7 दिन है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सासू माँ भी है क्या? वो देखो मम्मी जी को कितने आराम से मुंह खोल के झूले पे सो रही है। नो 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 से लाने प्यूपल 3 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे कहाँ हो तुम? हम आ गए हैं। चला रहे और आप हैं कौन? यमराज हैं हम। अच्छा अच्छा, हम कुंती को लेने आए हैं। यमराज जी, आप प्लीज मम्मी जी को लेके बचाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मम्मी जी को लेके